नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और आज एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आया हूं। आज मैं करूंगा अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी A3 2007 एडिशन का। जी हाँ दोस्तों, ये डिवाइस मेरे पास आ चुका है। मैंने इसको अली एक्सप्रेस से परचेज किया है $350 का। सो ये लगभग मेरे को 19,500 का पड़ा है और इसके ऊपर मैंने 4,000 रुपये कस्टम ड्यूटी भरी है। सो राइट दोस्तों, मेरे पास ये फोन आ गया है एंड मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। तो फटाफट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ और बताता हूं कि इस फोन में क्या क्या कंटेंट्स आपको मिलेंगे। तो राइट दोस्तों, ये है बॉक्स। बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको यहां पर नजर आता है। सैमसंग गैलेक्सी A3 एडिशन है एंड उसके अलावा यहां पर सील लगी हुई है और यहां पर अगर हम चेक करें तो ये आपको एक 4G LTE डिवाइस मेंशन कर रखा है। अगेन A3 भी यहां पर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। IP68 की सर्टिफिकेशन यहां पर मिली है। 13 megapixel और 8 megapixel आपको कैमरा मिलते हैं फ्रंट, रियर और फ्रंट में, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिलता है। ये एक 16GB इंटरनल मेमोरी वाला मॉडल है। सो फटाफट दोस्तों चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स हैं। राइट सो सबसे पहले आपको यहां पर मिलता है फोन। फोन दोस्तों यहां पर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। इसको साइड रखते हैं। उसके अलावा कुछ मैनुअल्स दे रखी है यहां पर एंड कुछ वारंटी इंफॉर्मेशन लीफलेट्स भी है। एंड फोन के कंटेंट को चेक करते हैं। यहाँ पर हमें एक माइक्रो USB टू पोर्ट टाइप सी कनेक्टर दिया गया है। सो केबल की बात करें, डेटा केबल दे रखी है। सो ये एक टाइप सी डेटा केबल है। सो अगेन ये टाइप सी कनेक्टर के साथ आता है, गुड थिंग। अगेन A3 2017 मॉडल में भी आपको हेडफोन्स मिल जाएंगे। ये एक इन ईयर टाइप हेडफोन्स हैं और आपको यहाँ पर माइक्रोफोन सपोर्ट भी दिया गया है। इसको भी साइड रखते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है चार्जिंग ब्रेक। तो यहाँ पर चार्जर की आउटपुट रेटिंग के बारे में बात करें तो ये है 5 वोल्ट 1.55 एम्पीयर्स। अडैप्टिव फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। सो लेट अस कंसंट्रेट बैक ऑन द डिवाइस। यहाँ पे एक प्लास्टिक कवर दे रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ। एंड पीछे भी एक प्लास्टिक कवर दे रखा है। एंड लेट मी रिमूव दिस IMEI इंफॉर्मेशन स्टिकर एज वेल। अगेन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। पीछे आपको ये कलर आप ऑलरेडी देख सकते हैं, हाथों के निशान आ गए हैं। सो दिस इज जो ये फिनिश दे रखी है, अगर आप चेक करें तो दिस इज एग्जैक्टली टू सैमसंग गैलेक्सी A5 2017। और अगर इससे को मैं कंपेयर करूँ साइज में तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों फोन्स में। तो ऑलमोस्ट जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर स्पीकर की अगर आप यहाँ चेक करें, बिल्कुल डिज़ाइन बिल्कुल सेम दे रखा है दोनों फोन्स का, नीचे भी एंड पीछे भी, ऊपर की तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊँ। सो जो डिफरेंस है वो डिस्प्ले का है। सो दैट इज़ वाई यू सी अ डिफरेंस इन दी साइज। बट अगर मैं जो कलर के बारे में बात करूं तो यही सेम कलर आपको यहां भी मिलेगा ऑन Xiaomi MI 6 एंड उसके अलावा आपको यहां A5 में भी मिलता है। सो चलिए दोस्तों, मैं इसको बूट करता हूं फॉर द फर्स्ट टाइम। यहां पर दिया गया है Samsung Galaxy A3 पावर्ड बाय Android। राइट सो दोस्तों, मैं फटाफट इस फोन को सेटअप कर लेता हूं एंड देन विल टेक इट फर्दर। सो राइट दोस्तों, यहां पर मैंने डिवाइस को सेटअप कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिवाइस मैंने कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में और डिजाइन के बारे में मैं बात करूँ तो अगेन यहाँ पर हमें जो डिजाइन मिलता है दैट लुक्स वेरी सिमिलर टू सैमसंग गैलेक्सी S7 एंड यही डिजाइन हमें A5 में भी देखने को मिला है। सो दिस इज कंप्लीट ग्लास एंड मेटल कॉम्बिनेशन, बेयरली वी सी एनी काइंड ऑफ ए प्लास्टिक। और ये डिवाइस इट्स अंडर 20,000 एंड बट स्टिल द बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड। यही सेम मटेरियल्स जो हैं आपको A5 और A7 2017 मॉडल में मिल जाएंगे। फ्रंट में और बैक में दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 लगा है एंड कर्व्ड एजेस आपको मिलते हैं फॉर अ सॉफ्टर फील। अगर मैं और फिजिकल ओवरव्यू में बात करूं तो यहां पर आपको जो डिस्प्ले दिया गया है वो एक 4.7 इंच की स्क्रीन है। तो दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू में मैं बात करूं तो फ्रंट में आपको मिलता है एयरपीस, सैमसंग की ब्रांडिंग दे रखी है और उसके अलावा
यहाँ पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। अगर उसके अलावा नीचे आते हैं, नीचे आपको यहाँ पर 4.7 इंच का एक सुपर एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट जो अच्छी बात नहीं है, जो इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो है 720x1280। सो 720p रेजोल्यूशन वाला यहाँ पर डिस्प्ले आपको मिलता है, दैट इज एन HD डिस्प्ले है ये। बट फुल HD डिस्प्ले अगर इस फोन में दिया जाता तो काफी अच्छी बात होती, बट स्टिल दिस इज अ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कलर्स आर गुड एंड दे आर नॉट दैट बैड सिंस दिस इज अ 720p डिस्प्ले, बट द कलर्स आर स्टिल गुड एंड द डिस्प्ले इज बिट शार्प। और उसके अलावा यहाँ पर जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हमें मिलता है, दैट इज 67.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में मिलता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे को बैकलिट कैपेसिटिव कीज दे रखी है, एंड यहाँ पर बीच में आपको मिलता है होम बटन, और उसके अलावा ये एक फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह भी काम करता है। फर्स्ट इंप्रेशन है फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है एंड एक्यूरेट है, एंड मोस्टली वी डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम्स, राइट। सो यहाँ पर दोस्तों एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ गई है दोस्तों फोन को टेस्ट करते करते, राइट। सो यहाँ पर वर्जन दे रखा है 119 MB की सॉफ्टवेयर अपडेट है, सो विल चेक दिस लेटर। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो ये एक माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, एंड यहाँ पर हमें एक मिलता है 3.5 mm हेडफोन जैक, सेकेंडरी माइक्रोफोन विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। एंड अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पर हमें मिलती है वॉल्यूम रॉकर कीज, काफी अच्छी तरीके से प्लेस्ड हैं, दे आर वेरी टैक्टाइल एंड यू नो उनको दबाने में काफी अच्छी फीलिंग आती है। एंड राइट साइड में अगर हम चेक करें, यहाँ पर आपको दिया गया है स्पीकर एंड पावर बटन, एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको मिलता है एक सिम कार्ड स्लॉट एंड प्राइमरी माइक्रोफोन। एंड सिम कार्ड स्लॉट के बारे में बात करें, राइट, लेट मी टेक दिस आउट, राइट दोस्तों। सो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, दो सिम कार्ड को ये सपोर्ट करता है, एंड हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे है। सो यहाँ पर आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, या एक सिम या दो सिम आप साथ में यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड अगर हम पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है 13 MP का कैमरा विद सिंगल टोन LED फ्लैश, सैमसंग डुओस की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो दोस्तों इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक क्वाड कोर 1.6 GHz फ्रिक्वेंसी का एक Exynos 7870 प्रोसेसर, वो जो कि सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है विद 8 कॉर्टेक्स ऑफ A53 कोर्स, और यहाँ पर ग्राफिक सपोर्ट्स आपको मिलता है बाय माली T830। और अगर बात करें रैम और इंटरनल मेमोरी की, तो ये एक 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल वाला वेरिएंट है, एंड जो माइक्रो SD कार्ड है वो अप टू 256 GB सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है, इट्स वे लेस देन मोटो G5 प्लस, जो इससे काफी फास्ट है, एंड यू नो द प्राइस इज लेस देन दिस डिवाइस, एंड आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड दिस डिवाइस ऑन Amazon और Flipkart। एंड सेंसर्स की बात करें तो ये सारे सेंसर्स यहाँ आपको आपको मिल जाएंगे, एंड इवन जायरोस्कोप सेंसर भी आपको दिया जाता है इस फोन में। और दोस्तों अगर इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं Android 6.1 पर रन कर रहा है, और जो सॉफ्टवेयर आता है दैट इज Android Marshmallow Android 6.0.1। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि अभी Samsung Galaxy S7 ही हमारा पुराना फोन है, उस पर Android Nougat की अपडेट आ गई है, बट दैट्स वेरी सैड कि A3 A5 पर अभी तक हमारे को यहाँ पर Android Nougat की अपडेट नहीं मिली है, बट एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर आई है जिसको मैंने पोस्टपोन कर दिया है, एंड आई विल चेक इट लेटर ऑन। और ऊपर की सेटिंग्स आपको बिल्कुल Note 7 जैसे यहाँ पर मिलती हैं, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिलती है, और डिस्प्ले में आपको अडेप्टिव ब्राइटनेस का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, राइट। सो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है दैट इज आपको बिल्कुल सिमिलर एक्सपीरियंस मिलता है Samsung Galaxy A5 और A7 से, राइट। सो दोस्तों अगर इसमें लगे बैटरी के बारे में बात की जाए तो बैटरी इसमें जो लगी है वो है नॉन रिव्यूमेबल लिथियम आयन 2350 mAh की बैटरी। सो अगेन बैटरी भी काफी कम दी गई है यहाँ पर, एंड चार कलर में ये फोन आता है। मेरे पास अभी ये स्काई ब्लैक कलर है, एंड इसके अलावा आपको इसमें गोल्ड कलर, ब्लू कलर एंड एक पीच क्लाउड कलर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो कैमरा कुछ इस तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पर नजर आता है, ये सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे। अगर मैं प्रो मोड के बारे में बात करूं तो प्रो मोड में आपको वाइट बैलेंस, ISO और यहाँ पर फोकस के लिए ऑप्शन जो है दे रखा है। अगर ऑटो मोड में चेक करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक ऑटो फोकस कैमरा है, यहाँ पर आप देखिए कितना फास्ट ये कर पा रहा है फोकस, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, राइट। सो फोकसिंग इतनी फास्ट नहीं है, आप देख सकते हैं फोकस ही यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। जनरली इतनी पास से अगर मैं फोकसिंग की ट्राई करूं तो काफी फोन यहाँ पे इससे काफी जल्दी फोकस कर लेते हैं, बट आप देख सकते हैं कि इतनी जल्दी फोकसिंग ये नहीं कर
पा रहा है। और अगर सेटिंग्स में जाकर हम चेक करें वीडियो साइज को, तो आप चेक कर सकते हैं ये 1080p रेजोल्यूशन की वीडियो को ही सपोर्ट करता है। सो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। एंड फ्रंट कैमरा भी 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। और फ्रंट कैमरा दोस्तों आपको दिखाएं, फ्रंट कैमरा देखिए, ये है आपका 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। एंड यहाँ पर आपको एक सेल्फी फ्लैश के लिए भी ऑप्शन दे रखा है, डिस्प्ले ही एज अ फ्लैश बन जाता है यहाँ पर। सो ये देखिए पिक्चर क्वालिटी कुछ इस तरीके से आती है। एंड फुल जूम करने पे भी आई डोंट सी मच नॉइज हियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैमरा। सो दोस्तों मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है इस डिवाइस के बारे में, आई गेस मुझे तो ये करीब करीब 25,000 का पड़ा है ये डिवाइस, बट अगर ये इंडिया में लॉन्च होगा, एक्सपेक्टेड है ये 16,000 से 17,000 रुपए में लॉन्च हो। अगर इसके फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी हैं। वो है इसमें 16 GB की इंटरनल मेमोरी, यहाँ पर कम से कम आपको 32 GB तक की इंटरनल मेमोरी मिलनी चाहिए थी। एंड उसके अलावा 3 GB रैम तक आई वॉज एक्सपेक्टिंग। प्लस यहाँ पर जो डिस्प्ले लगा है वो एक HD डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले नहीं दिया गया है इस फोन में। एंड इवन जो बैटरी साइज है वो भी बहुत छोटा है, 2350 mAh की बैटरी। आई थिंक जो बैटरी भी लगी है वो भी काफी छोटी दी गई है। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए भी स्टिल अगर फोन के बारे में बात करूं, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, काफी अच्छा डिजाइन दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिलता है, IP68 की सर्टिफिकेशन है वो भी आपको सैमसंग गैलेक्सी A3 में मिल जाती है। सो दोस्तों ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस इस डिवाइस के बारे में। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं इस डिवाइस के बारे में, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं पर्सनली उस पर रिप्लाई करूंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।